तो प्रशांत जी, हिंदू कौन और हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को बता रहे हैं राहुल गांधी और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और ऐसे कल हमने देखा यहाँ भी जयपुर में भी, आखिर क्या एक अलग राह पर और उसमें भी जो हिंदू बनाम हिंदुत्व की जो बातें यहाँ हैं इसको रख करके कांग्रेस बेनिफिट में रह पाएगी? निश्चित तौर पे राहुल गांधी एक रिस्क ले रहे हैं, पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं ये काम करके। और आपको याद दिला दे राजीव जी कि इनके पिताजी राजीव गांधी ने ठीक उल्टा काम किया था और अयोध्या से चुनाव का प्रचार शुरू किया था। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पे वो काम कर रहे हैं जो इस देश के बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को, सोशल रिफॉर्मिस्ट को करना चाहिए था बहुत पहले से। अगर वो बहुत पहले से ये करते तो आज भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे, तमाम सामाजिक ताने बाने पे जो खतरा है, जो नुकसान हो रहा है, वो शायद बच पाता। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल रिस्क तो ले रहे हैं और ये ज़रूरी रिस्क है देश के हित में, क्योंकि दूसरे कोई नेता ऐसा रिस्क लेते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, हिंदुत्व को समझना होगा। जैसे उन्होंने बहुत दो सिंपल उदाहरण लिए गांधी और गोडसे। हिंदुत्व की परिभाषा देने वाले, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कलम बंद करने वाले गोलवर्कर बंच ऑफ थॉट्स में, वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार भी हुए थे। वो दो चीज़ें बहुत साफ, दो तीन चीज़ें उनकी आइडियोलॉजी से हिंदुत्व के बारे में बहुत साफ निकलती हैं। एक तो उनका हिंदुत्व मनुवादी है, और मनुवादी का मतलब है कि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाला या उसको संरक्षण करने वाला हिंदू धर्म है वो। और उसकी झलक आपको मिलती है जब नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण को ख़त्म करके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री करती है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। तमाम जो आरक्षण के खाली जगहें हैं आरक्षित, उनको नहीं भरा जाता है। तो ये हिंदुत्व है। जिस तरीके की मार्किंग का मामला अभी JNU में सामने आया, ये हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब आप देखते हैं, रोज़ खबरों में पढ़ते हैं कि दलित परिवार के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया गया, उनको कुएं पानी आज भी नहीं पीने को मिलता, उनके ऊपर तमाम तरीके के जुल्म किए जाते हैं। अभी भी एक वीडियो चल रहा है जिसमें कि एक वंचित समाज के लोगों को उठक बैठक कराई जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की परिणति है जो हो रही है। दूसरा उसका आयाम है दूसरे धर्मों के प्रति नफरत। तो वो हम लगातार पिछले 7 साल से देख रहे हैं। लगातार ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। और तीसरा उसका जो आयाम है वो भारत के संविधान को चुनौती देना। भारत का जो सेकुलर संविधान है, जो बराबरी की बात करता है, सेकुलरिज्म तो बाद में आएगा हिंदुत्व में निशाने पर, पहला उनका जो टारगेट है कि बराबरी का सिद्धांत, क्योंकि इनका हिंदुत्व मनुवाद को पहचानता है। और ये मैं उन्हीं के बंच ऑफ थॉट्स में लिखी हुई बातें ही बता रहा हूँ आपको। और वो जर्मनी से बहुत प्रभावित रहे, हिटलर से प्रभावित रहे, ये तो सर्वविदित है। उन्होंने उसको लिखा है अपनी हिटलर से मोहब्बत को छुपा नहीं पाए। तो अब आप देखिए कि बंच ऑफ थॉट्स में या दूसरे लिटरेचर में जो गोलवर्कर कह रहे हैं, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में आपको स्टेप बाय स्टेप होता हुआ दिख रहा है। तो
ये हिंदुत्व है, और इस हिंदुत्व का दूसरा जो चेहरा आपको सामने दिख रहा है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बेरोजगारी भारत से कम हो गई है, अर्थव्यवस्था अभी भी माइनस में है। तो अर्थव्यवस्था की जर्जर हालत है, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे कि जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, कोई बनारस में अस्पताल नहीं बने, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया कॉलेजेस नहीं बने, तो यही हिंदुत्व है कि जन सुविधाएं शिक्षा से वंचित रखो, यही वंचित समाज को और धकेल दो पीछे कि उसको भारत के संविधान और डेमोक्रेसी से जो उसको ताकत मिली है, जो जिन लोगों को जिनके अंगूठे काटे गए उनको, वो अगर पढ़ने जा रहे यूनिवर्सिटी में तो उनको नौकरियां से निकाल दो, उनको उनको उनके लिए आरक्षण के रास्ते बंद कर दो। ये हिंदुत्व है, इसको समझना होगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि वो किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसका जैसा अमित जी कह रहे थे कि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनके राम कृष्ण शिव जो हैं वो पॉलिटिकल टूल्स हैं, असली मंसूबा जो है वो वही है कि अंबानी अडानी के घर भरो, लोगों को वंचित समाज को पीछे रखो, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाओ। देखिए राजेश बादल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसको बहुत लंबा ना खींचा जाए, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हिंदुत्व के मामले पर, हिंदू और हिंदुत्व के मामले पर, या बीजेपी की राजनीति पर एक बार राष्ट्रीय बहस तो होनी चाहिए। और ये काम, जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी का नहीं था, ये काम तमाम सोशल सिविल सोसाइटी और प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस और सामाजिक कार्यकर्ताओं का था कि उस पर वो जन जागरण करते, वो उस ढंग से नहीं हुआ। अब जिसको अंग्रेजी में कहें कि यू कैन नॉट इग्नोर एलिफेंट इन द रूम, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब आप उसको दाएं बाएं करके आप आगे नहीं निकल सकते, एड्रेस करना पड़ेगा उसको। अभी तक क्या हो रहा था राजीव जी कि ये तमाम सारे जो मुश्किल सवाल भारत की राजनीति में थे, इनको हम लोग वामपंथी दलों में आउटसोर्स कर देते थे और वो हमारा पॉलिटिक्स का मॉरल कंपास था। अब वामपंथी पार्टी हाशिए पे चली गई, इसी वजह से चली गई कि वो बेचारे सबका कूड़ा साफ वो करते थे अकेले, तो ये काम तो करना पड़ेगा। तो वो वहाँ तक तो राजेश बादल जी से मैं सहमत हूँ कि हाँ कर दिया, अब आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुत्व क्या है, उसके तीनों आयाम हमने आपको पहले जब मैं आया तो मैंने समझा दिए थे। वो मूलतः मनुवादी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, पुराने जमाने की वो चीज़ें लेकर आते हैं, गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं समाज में, और उनका संविधान से सीधा सीधा झगड़ा। अब देखिए कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका खामियाजा क्या है। इसी बनारस में वो व्यक्ति जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले इंडोर्स किया, छन्नू लाल मिश्रा जी की पत्नी और उनकी बेटी कोरोना से मर गई, ऑक्सीजन नहीं मिला उनको, उनकी बेटी का वीडियो आप देखेंगे तो दिख जाएगा कि बहुत ही हृदय विदारक उनका वीडियो है, गंगा में तैरती लाशें हमने देखी हैं, तमाम ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ना मिलने की वजह से लोगों को मरते देखा है, शमशान घाट कम पड़ गए, शमशान घाट में और शमशान घाट बढ़ाए जाए या उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी जगह वो लगा दिए गए टीन के बैरिकेड ताकि कैमरे में ना आ सके, यह हिंदुत्व की सरकार कर रही थी। दूसरी, आज का ही इवेंट मैनेजमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री के जो ये सी इसके प्रसार भारती के सीईओ हैं उनका ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि जी काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए 55 कैमरे 7
हेटलाइन यानी ओबी वैन, ड्रोन, आरएफ कैमरा, जिमी जिप्स, ये सब लगाया गया। इतना इंतजाम आप कर रहे हैं, आज के अखबारों को उत्तर प्रदेश के देखिएगा तो कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री का विज्ञापन नहीं है। एक राष्ट्रीय अखबार का विज्ञापन लगभग 1 करोड़ का होता है। अगर आप जो आज विज्ञापन फ्रंट पेज पे छपे हैं उन विज्ञापनों की कीमत आप निकालेंगे तो बनारस में 2 अस्पताल बन जाएंगे, 5 स्कूल बन जाएंगे। इतना महंगा विज्ञापन आपने खर्च कर दिए, पब्लिक का इनकम टैक्स के वो पब्लिक के टैक्स के पैसा आप इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी एक अहम बात राजीव जी और उठती है, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री अभी बार बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, 4.5 साल योगी ने कुछ नहीं किया, अब सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो रहा है जिसमें चीन के एयरपोर्ट की फ़ोटो लगा देते हैं आप, उसके बाद फिर आप आजमगढ़ में जा रहे हैं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, जो अभी तक खुला नहीं, उद्घाटन हो गया लेकिन वो खुला नहीं, उसके बाद फिर आप फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का आपने नींव रखी गोरखपुर में जाकर, अस्पताल की रखी, फिर आज वहाँ आप चले गए बनारस, अभी कानपुर की मेट्रो का उद्घाटन आपको करना है इसी महीने, और 2-4 चीज़ें निकल आएंगी। तो ये जो सारा विकास अभी उड़ेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है एक नियम की, जी जब वो शेड्यूल अनाउंस करेगा तब होगा, लेकिन पूरी राजनीति, सरकारी तंत्र, पैसा सब कुछ लग रहा है और वो पॉलिटिकल भाषण दिए जा रहे हैं वहां से। ये प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पिनल लॉ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से बना एक डॉक्यूमेंट है कि हाँ ये हम अपने ऊपर लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहकर अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप ही धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर बचा ही क्या।